हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बब्ली किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स बटर दाल फ्राई। दाल तो वैसे हम डेली के खाना में बनाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर उसको थोड़ा अलग तरीके से हम बनाएंगे तो वो लंच हो या डिनर, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ा देगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मिक्स दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मिक्स दाल लिया है। इन दालों में अरहर दाल, चना दाल, मसूर दाल और मूंग दाल एक बराबर मात्रा में मैंने मिला के आधा कप ले लिया है। इसके अलावा नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको दाल को धो के कुकर में बॉईल कर लेंगे इसके पकने तक। तो कुकर में इसको डालेंगे पहले, और आधा कप दाल में हम यहाँ पे 3 कप पानी डालेंगे और हल्दी, नमक, और दाल के पकने तक सीटी आने देंगे। जब तक हमारा दाल पक रहा है तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट या फिर इसको कूट भी लेंगे, 2 हरी मिर्च कटी हुई, धनिया पत्ता कटा हुआ बारीक, 2 टमाटर काट लेंगे इसको। इसके अलावा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून देसी घी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जीरा। हमारा दाल जो है पक गया है, अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन रख के इसमें बटर डालेंगे और साथ ही साथ इसमें देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो दोनों में से एक भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन दोनों डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डालेंगे और जीरा में थोड़ा सा कलर आने देंगे। जब इसमें कलर आ जाएगा तो हम चॉप जिंजर और गार्लिक डालेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। थोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें ओनियन डालेंगे और इसको कलर आने तक भून लेंगे। देखिए थोड़ा कलर आ चुका है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसमें हम ग्रीन चिली डालते हैं। ग्रीन चिली डालने के बाद साथ ही साथ इसमें टोमेटो भी ऐड करेंगे, और टोमेटो को सॉफ्ट होने के लिए इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला था, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा हल्का सा डालेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, इसको ऐसे दबा देते हैं, एक बार मिक्स हो जाएगा। और जब टमाटर मिक्स हो जाए तो इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ ही साथ गरम मसाला, और इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को। देखिए इस अच्छी तरह से मसाला जो है भून चुका है, इसको एक बार मिला लेते हैं। और जो हमने दाल को बॉईल करके रखा है वो इसमें अब ऐड करेंगे। दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं एक बार। ये दाल बहुत ही जल्दी बन जाता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसको एक बार देखिए बॉईल हो चुका है, अब गैस को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दाल बना है। ऐसे थोड़ा गाढ़ा दाल होता है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, और रोटी या चावल के साथ आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है, अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्स बटर दाल फ्राई बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी ये लगता है, और इसमें जो बटर का फ्लेवर आता है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये दाल मेरा फेवरेट है, तो इसको आप रोटी या चावल के साथ खाएं बहुत अच्छा लगता है। तो इसको लंच और डिनर में आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।